गुजरात में कल पहले दौर के लिए 19 जिलों की 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कल के मतदान में 788 उम्मीदवारों के किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। इस बीच गुजरात में दूसरे दौर के लिए चुनाव प्रचार पूरी रफ्तार में है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा जैसे बीजेपी के दिग्गजों ने कई जगहों पर रैलियां की और रोड शो किया। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा की। अमित शाह ने भी अहमदाबाद में बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के महंत से मुलाकात की। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घर घर जाकर लोगों से वोट मांगे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में प्रचार धीरे धीरे धारदार हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री गली गली में प्रचार करने पहुंच रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, दिल्ली वालों से सीधे मुलाकात करके बीजेपी को कूड़ा पर घेर रहे हैं। केजरीवाल के डोर टू डोर कैंपेन का वीडियो सामने आया, जिसमें एक महिला उनसे मफलर को लेकर सवाल पूछती दिख रही है। केजरीवाल कहते हैं कि अभी ठंड नहीं आई है, इसलिए मफलर नहीं है। इस बीच आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ नाच रहा है और हाथ में रिवॉल्वर है। दूसरी ओर एमसीडी चुनावों के बीच केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान 2024 लॉन्च किया, जिसके बाद बीजेपी दिल्ली के लोगों को झुग्गी की जगह पक्के मकान का वादा कर रही है। उधर कांग्रेस ने एमसीडी चुनावों के लिए आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। मैनपुरी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही। चुनाव प्रचार के बीच पूरे परिवार की तस्वीर एक साथ आज तक के कैमरे में कैद हुई, जिसमें भतीजे अखिलेश और बहू डिंपल के साथ चाचा शिवपाल भी मौजूद हैं। आज तक से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि परिवार साथ है तो बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है, और परिवार अलग था तो बीजेपी कह रही थी कि परिवार में कलह है। इस बीच शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को नया नाम दिया और कहा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब छोटे नेताजी के नाम से जाने जाएंगे। मैनपुरी सीट मुलायम सिंह यादव के निधन से खाली हुई है, जहां से समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगा दी है। योगी एक रैली कर चुके हैं और दूसरी रैली 2 दिसंबर को होगी। पंजाब के संगरूर में सीएम आवास के सामने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। मजदूर संगठनों के सदस्य सुबह इकट्ठा हुए थे और काफिले की शक्ल में सीएम के आवास की ओर कूच किया। पंजाब सरकार और मुख्यमंत्री मान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे मजदूरों को पुलिस ने सीएम आवास से 1 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग करके रोक दिया। मजदूरों ने जब बैरिकेडिंग लांग कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस से धक्का मुक्की शुरू हो गई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठीचार्ज कर दिया। प्रदर्शनकारी कपास और धान की फसल के नुकसान का मुआवजा और रोजगार की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्म मेकर के बयान को लेकर कश्मीरी पंडितों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है। आज उन्होंने जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया। जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। इस बीच जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इजरायली फिल्मकार के बयान का समर्थन किया और कहा कि आखिरकार किसी ने माना कि वो फिल्म मुसलमानों और कश्मीरी पंडितों के बीच दूरी बढ़ाने वाला प्रोपेगेंडा ही था। इधर इजरायली फिल्मकार नडाव लैपिड अपने बयान पर अब भी कायम है। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने जो महसूस किया वो कह दिया।